वालेकुम, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट इमरान शम्स मेमन। मोहतरम नाजरीन, आज हम प्रोडक्शन बना रहे हैं ये स्क्रैप माल की। तो ये स्क्रैप माल हम चला रहे हैं, ठीक है। ये चूरा होके निकल रहा है। आज ये वीडियो बनाने का मकसद मैं आपको बताता हूँ कि स्क्रैप माल कैसे चलाते हैं। तो स्क्रैप माल ये देखें, ये बिल्कुल हार्ड माल खड़का है। देखा, ये देखें, ये बिल्कुल हार्ड माल है। अभी ये हम चलाएंगे मशीन में। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा मशीन, जो भी आप लोग डंडा मशीन लो, अच्छी मशीन लो, बेशक 5 रुपये ज़्यादा भी मशीन में लग जाए कोई मसला नहीं है, मगर मशीन आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये 6 इंच का सेटअप है, 5 हॉर्स पावर की मोटर के साथ, 4 इंच चैनल के साथ, और 7.11 का हम इन्वर्टर देते हैं इसके साथ। ये माल भी निकल रहा है, आप देख सकते हो, ये स्क्रैप वाला माल है। और इसके ऊपर हम ये थोड़ा सा पानी लगाएंगे। ये निकलने के बाद जैसे यहाँ से निकले माल, फिर थोड़ा सा कलर मिला के, जो भी कलर आप बनाना चाहते हो वो पानी आप ऐसे लगाते जाए थोड़ा थोड़ा, मतलब एक लेयर लगाई, फिर थोड़ा सा पानी लगाया, फिर दूसरी माल की लेयर जमा हो जाए, फिर पानी लगाना है। तो ये प्लॉटर मशीन 6 इंच का बीमा इन्वर्टर, और इसके साथ हम देते हैं ये SS का स्टील में मिक्सर है 50 kg का। उसमें 1 हॉर्स पावर की या 1.5 हॉर्स पावर की हम मोटर लगाते हैं, गियर मोटर। और इसके साथ ये पंच मशीन है मैनुअल 2 फुट की, इससे छोटी भी मिलती है, बट मैं जो भी सेटअप के साथ देता हूँ 2 फुट की। मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि ऑटो पंच से गुरेज किया करें, क्योंकि आप न्यू बंदे होते हैं, न्यू बंदे ऑटो पंच इस्तेमाल नहीं करें, वरना वो अपनी ये उंगलियाँ जो है ना, उंगलियों से हाथ उठाना पड़ेगा। इसके साथ ये नीचे डाई लगी हुई है, ये डाई भी दूंगा। और ये वायर कटर ये तो बहुत पुराना है, मगर ये वायर कटर मैं आपको नया दूंगा। ये सारा टोटल, और इसके साथ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, ये टोटल जो सेटअप है ये 7 लाख रुपए का मैं सेटअप आप लोगों को दूंगा। इसके साथ मैं आपको ट्रेनिंग फ्री दूंगा, फार्मूलेशंस 2-4 फार्मूलेशन मैं आपको सिखाऊंगा, और जब आपकी मशीनें बन जाएंगी आपकी जगह पे इंस्टॉल करके चला के भी मैं दूंगा। तो जिसको ट्रेनिंग लेनी है वो मेरे पास आ जाए, रिहाइश खाना पीना मेरे ऊपर है, रिहाइश का कोई टेंशन नहीं है। तो ये अभी देखिए लड़का ये पानी लगा रहा है, कलर मिला हुआ पानी। तो ये 7 लाख रुपया पूरा कंप्लीट सेटअप है। इसके साथ आपको चाहिए 3 लाख रुपया रॉ मटेरियल के लिए, जो इनिशियली आपको 1 महीने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। उसके साथ 1 लाख रुपया आपका होगा पैकिंग का बजट, जिसमें रैपर, कार्टन, श्रिंक पेपर, इनर कार्ड वगैरह होगा। तो ये हो गया 7 लाख का सेटअप हो गया, 3 लाख का रॉ मटेरियल हो गया, 1 लाख का आपका प्रिंटिंग का मटेरियल हो गया, ये हो गया 11 लाख। और 1 लाख रुपया आप रखोगे आप अपने अकाउंट में, जो छोटे मोटे ये टूल्स वगैरह लेने होते हैं, ये टप वगैरह लेने होते हैं, ये तराजू वगैरह लेनी होती है, या कोई अंदर आप सेटिंग वगैरह करवाते हो वो आपको करवानी होती है, मतलब 12 लाख रुपए में आपकी टोटल फैक्ट्री चालू हो जाएगी। आज लाहौर से कुछ दोस्त भी आए हुए हैं हमारे पास मेरापुर सिंध में, तो उनसे भी हम बात कराते हैं भाईजान यहाँ पे राजस्थान में। तो अस्सलाम वालेकुम भाईजान, थोड़ा सा ऊँची बोल रहे सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम उस्मान। उस्मान, सिर्फ उस्मान? जी, उस्मान मलिक। उस्मान मलिक, अच्छा सर आप कैसे आए मेरे पास यहाँ पे? मैंने YouTube पे देखा आपका चैनल। अच्छा, मशीनरी के सिलसिले में आया हूँ यहाँ पे। मशीनरी कैसी लगी हमारी? मशीनरी बाकी सबसे बहुत बेहतर है। आपसे यहाँ के आने का कुछ देखना दिखाने की कुछ चार्जेस तो नहीं लिया? नहीं, फ्री ऑफ कास्ट। मेहमान नवाजी की है, बड़ी नवाजिश हमारे, हम सिंध की रवायत यही होती है मेहमान नवाजी। अच्छा, अब आपका क्या इरादा है, आप मशीन लगाएंगे, सेटअप लगाएंगे?
बना नाम डिसाइड किया है आपने साबुन का क्या रखेंगे? बस अभी दो तीन डिसाइड हो गए हैं। अच्छा, एक दो में सर्च करें, उसके बाद फाइनल करके फिर शुरू करते हैं। अच्छा, 6 इंच का सेटअप लगाएंगे आप? हाँ जी जी, माशाल्लाह। कहाँ पे? लाहौर में? लाहौर में जी, बिल्कुल। आपको दोबारा भी आना पड़ेगा यहाँ पे, आपको ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी। तो दो तीन दिन के लिए, कम से कम 7 दिन के लिए आप आओगे, जुमा छोड़ के। हफ्ता इतवार, फिर मंगल, बुध, जुमेरात, जुमे को बेशक आप चले जाना। तो इतने दिनों में आपको मैं फुल ट्रेन कर लूँगा। तो ये उस्मान मलिक साहब हैं, लाहौर से आए हुए, सेटअप ले रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा कि हमेशा किसी से भी आप मशीनें लो, बेहतरीन मशीनें लो। मैं क्या करता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं खुद बनवाता हूँ, अच्छी मोटरें लगवाता हूँ, बेहतरीन लोया। उस्मान भाई, मुझे एक बात बताओ, आपने ये मशीन को हिला के देखा, ये हिल रही थी? नहीं, वजनी चीज़ है। बहुत वजनी है? अच्छा, तीन डब्बा नहीं है। तीन डब्बा नहीं है, तो ये हमारा फीडबैक होता है लोगों का। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी भी हम मशीनें बनाते हैं बहुत अच्छी बनाते हैं, पायदार, रिलाइजेबल होती हैं। और इस मशीन को मेरे पास तकरीबन 5 साल हो गए हैं। तो मेरी तो ये पुरानी मशीन हो गई है, आप लोगों को मैं न्यू मशीन दूंगा। अभी ये स्क्रैप का हमारा ये क्रशिंग चल रहा है। ये देखें, बिल्कुल हार्ड माल है, ये खड़का के दिखा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल हार्ड माल है। तो हार्ड माल हम चला रहे हैं, हार्ड माल चला रहे हैं इस 6 इंच के प्लोडर में। यहाँ से ये क्रैश होके निकल रहा है। तो उनके साथ एक दूसरा भी दोस्त आया हुआ है। भाईजान, आपका नाम क्या है? फैज़ुर्रहमान। आप भी लाहौर से हो? आप भी मशीनें लेने आए हो? जी, ये फैज़ुर्रहमान है। ये भाई थोड़ा सा शर्मीला है, तो इसीलिए ये आया हुआ था। तो चलो, कोई बात नहीं है जी। एक और भी दोस्त आया हुआ है कराची से, उनसे भी तारुफ करा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया। क्या हाल चाल है सर? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हातिम है, कराची से। हातिम कराची से जी। कराची कहाँ से? ये पाकिस्तान चौक। पाकिस्तान चौक गार्डन की साइड पे जी। तो आप थर्ड मैन्युफैक्चरिंग कराने आ रहे आए हैं? अपना अपना साबुन बना रहे हैं जी? अच्छा, कराची से यहाँ तक आप आए, कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? कोई तकलीफ नहीं, बल्कि इमरान भाई ने बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की हमारी, और बहुत अच्छे से ख्याल रखा, कोई परेशानी हुई नहीं। अच्छा, माशाल्लाह, जबरदस्त। इंशाल्लाह हम दुआ गो हैं आपका भी साबुन मार्केट में आ जाए। और कराची के जितने भी दोस्त हैं, मैं उनको यही मशवरा करूंगा, तो एक मरतबा आप हमारे पास आ जाए यहाँ पे, और हमारा काम भी देखें। और लोग काफ़ी बाहर भी जाते हैं हातिम भाई, पंजाब साइड, ये वो खच्चर खाली बहुत करते हैं, उनके लिए क्या मशवरा है? क्योंकि अगर सिंध में ही अगर हमारे पास इतना अच्छा सेटअप है, तो यहाँ से फायदा लेना चाहिए। इमरान भाई बड़े ही आपको हर चीज डिटेल में समझाते हैं, सेटअप के बारे में, रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स पैकिंग तक का सारा सेटअप जो है बड़े ही जबरदस्त अंदाज में समझाते हैं। और जिसका हमें फायदा उठाना चाहिए, और ये उनकी मेहरबानी है कि मतलब इतना वो करते हैं, बुला के भी बहुत जबरदस्त मेहमान नवाजी। थैंक यू आदम भाई, ये आपकी मेहरबानी है, आपने हमारे बारे में इतने अच्छे कमेंट्स दिए। ये बेटा, ये काटे हैं यहाँ हाथ में, ये काटे आप? आतम भाई, वायर कटर पे भी आप काटेंगे? ये आपने थोड़ा बहुत काम सीखा है हा? जी आतम भाई, जबरदस्त, बहुत इजी काम है। अच्छा, सिंध के लोग थर्ड मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आने चाहिए। और ये आप वर्किंग ने, आज सुबह से आपने वर्किंग भी की है, और 8:30 बजे वापसी की यहाँ पे, यहाँ से बस जाती है। वहाँ से कराची से आप कितने बजे आए हो? सुबह 8 बजे यहाँ पे पहुँच गए थे, 11 बजे ट्रेन पे बैठे थे। सुबह 8 बजे कराची कैंट से बैठे आप? नहीं, मैं सिटी स्टेशन से बैठे हो। चलो ठीक है आतम भाई। और
आतम भाई कैसी है पंची ये मैनुअल? बहुत अच्छा है। अच्छा बिल्कुल इजी है, इसमें कोई जोर वगैरह कुछ नहीं लग रहा और आराम से पंच हो गए। दिखाना आतम भाई पंच को, छोड़े ये दिखाएं मुझे। ये ऑटो ही नीचे हो जाता है, इसको जरा हैंडल से पकड़ के ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। अच्छा ऑटो पंच सही है आतम भाई या मैनुअल सही है? नहीं ऑटो पंच में ये हाथ आने का खतरा होता है और इंसान ज्यादा उंगलियां कट जाती है, ठीक है। आतम भाई बड़ी नॉलेज। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रोडक्शन अभी भी चालू है, हार्ड माल निकाल रहे हैं हम बिल्कुल, ये आपके सामने कोई एडिटिंग नहीं है इसमें, कोई दो नंबरी बात नहीं है, बिल्कुल फाइन क्वालिटी की हमारी मशीन चल रही है। तो मशीन अच्छी हो तो बंदा परेशान नहीं होता। तो इसके साथ मेरा जो नंबर होता है सामने स्क्रीन पे भी चल रहा होता है, डिस्क्रिप्शन में भी होता है, और मज़ीद कोई क्वेरी या क्वेश्चन वगैरह हो तो आप बासानी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। अगर मैं मसरूफ़ हूँ तो आपको रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा। इसके साथ जितने भी केमिकल्स वगैरह हैं वो भी मेरे पास अवेलेबल होते हैं, नोडल कलर खुशबू कोई भी चीज़ साबुन के मुतालिक आपको चाहिए वो भी हाजिर होगी। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दोस्त आपका भाई इमरान शम्स मेमन, पाकिस्तान जिंदाबाद।